नमस्कार दोस्तों और बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही कामना लेके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। सावन का महीना, भोलेनाथ का महीना, इस समय शिव जी पे अनेक प्रकार से अभिषेक किए जाते हैं जिससे हमारी कामना की पूर्ति होती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं शिवलिंग पर। ऐसे तो सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, भोलेनाथ का महीना माना गया है, लेकिन शिव जी की पूजा प्रत्येक दिन करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, देवों के देव महादेव जो हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रही हूँ कि इसे आप जरूर कीजिएगा। इसे करने से आपकी जो भी कामना है, जो भी परेशानियाँ हैं, दूर होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये शिव महापुराण में दिए गए उपायों में से एक उपाय मैं आज आपको बता रही हूँ। जब आपको बहुत दुख हो और बहुत परेशानी हो, दुख कम होने का नाम ना ले रहा हो, परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा हो, चारों तरफ आपके जीवन में लग रहा हो कि अंधेरा ही अंधेरा है, तो इस उपाय को, इस काम को जरूर कर लीजिएगा। ये शिव महापुराण में दिए गए उपायों में से एक उपाय है। अगर आपको जब बहुत दुख हो, जिंदगी में लगे कि अब इसके आगे मेरी जीवन में कुछ भी नहीं है, चारों तरफ जब आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखे, तो एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। शिव भगवान के मंदिर में, शिवालय में जाएं और शिव जी को जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर। उसके बाद जलाधारी से जल होते हुए उनकी चरणों से नीचे गिरती है। तो आपको करना क्या है, जो जलाधारी से जल गिर के नीचे, जो उनकी चरणों से जो नीचे गिरती है, तो आपको वहाँ पर अपनी हथेली, जो हथेली जिसे राइट हैंड कहते हैं, अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं, यानी कि दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो वो दाहिना हाथ आपको वहाँ जलाधारी से जल गिरते हुए जो उनके चरणों से नीचे गिरते हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी हथेली को रख करके मन ही मन शिव जी के मंत्रों का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे आप महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करके उसके बाद अपने जो भी आपकी परेशानी है, जो भी दुख है, भोलेनाथ को बताएं और फिर आप उस हथेली को अपने मस्तक पे रखें। कम से कम आप ये काम 2 दिन करें, नहीं तो आप 3 दिन करें, नहीं तो आप 5 दिन करें। 5 दिन के अंदर होते होते आपका जो भी परेशानी है, जो भी आपका बहुत बड़ा से बड़ा दुख है, उसका रास्ता खुल जाएगा। भोलेनाथ आपके मार्ग खोल देंगे। जब आपको लग रहा हो कि चारों तरफ अंधेरा है, तो भोलेनाथ आपको रोशनी दिखाने लगेंगे। आप इस काम को करके देखें और भोलेनाथ पे विश्वास करके देखें, आपकी कामना जरूर पूरी होगी। जय भोलेनाथ।